नमस्कार और प्रणाम प्रिय छात्रों, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मुझे यकीन है कि आप सभी ने वो मुहावरा सुना होगा, विश्वास से पहाड़ों को हिला सकते हैं। तो विश्वास क्या है? ये संज्ञा पुराने फ्रांसीसी शब्द फीड से आई है, जिसका अर्थ है विश्वास, यकीन, भरोसा, आत्मविश्वास, प्रतिज्ञा। इसका प्रयोग अक्सर धर्म या अलौकिक का वर्णन करते समय किया जाता है। लोगों को भगवान में विश्वास है या वास्तव में वे जिस धर्म का पालन करते हैं उसी में अपना विश्वास करते हैं। कुछ लोग एक अच्छे मुहावरे पर उसी तरह भरोसा करते हैं जिस तरह दोस्त, संरक्षक, मशहूर शख्सियत के लिखे हुए सूत्र वाक्य, ऐसा कुछ भी जो उनके काम में आए जब उन्हें जरूरत होती है। ये कहते हुए किसी को भी अंधविश्वास करने से बचना चाहिए। हर किसी को विश्वास के साथ काम भी करना चाहिए, क्योंकि काम के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं है। काम में विश्वास मन की भावनाओं के संयोजन और इसे करने की इच्छा के साथ एक निश्चित घटना या घटना का जवाब देना ही कहलाता है। जीवन में सफल होने वाले भारतीय व्यक्तियों की सूची वास्तव में उनके विश्वास के लिए उन्हें धन्यवाद करने के योग्य है। तो आइए देखते हैं। सुपरस्टार रजनीकांत। रजनीकांत सांस्कृतिक प्रतीक है और बहुत सफल फिल्म स्टार भी है, जिनका जन्म शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में एक गरीब परिवार में हुआ था। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और 4 भाइयों के साथ बड़े हुए। तब उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करते थे। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद रजनीकांत ने बेंगलोर और उसके बाद मद्रास शहरों में कई सारी ब्लू कॉलर नौकरियां की, जिसमें शामिल थी कुली, पढ़ई और बस कंडक्टर की नौकरी। बस कंडक्टर की नौकरी करते वक्त उन्हें एक्टिंग क्लासेस का एक विज्ञापन दिखा तो उन्होंने दाखिला ले लिया, जिसमें उनके दोस्त ने उन्हें पैसों से मदद की। एक्टिंग सीखने के दौरान उन पर नजर पड़ी एक तमिल फिल्म डायरेक्टर की, जिसका नाम था के पाल चंदन। उसके बाद तो इतिहास बन गया। फोर्ब्स 500 की सूची में अपनी कंपनी को शामिल करने वाले पहले भारतीय उद्यमी का जन्म मध्यम वर्गीय परिवार में धीरज लाल हीरा चंद अंबानी के घर में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और अंबानी 16 साल की उम्र में यमन चले गए और वहां पर एक गैस स्टेशन में अटेंडेंट की नौकरी की और एक तेल कंपनी में क्लर्क का काम किया। वो 1958 में भारत लौटे 50,000 रुपए के साथ और एक कपड़ा व्यापार कंपनी की स्थापना की, जो अब कई अलग अलग क्षेत्रों में रुचि रखने वाले भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक है। अगले हैं अमिताभ बच्चन। वर्ष 2000 में जब पूरी दुनिया नई सदी का जश्न मना रही थी, तब हम अपनी आपदाओं का जश्न मना रहे थे। मेरे पास कोई फिल्म नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई कंपनी नहीं। मेरे घर पर लाखों कानूनी मामलों और कई अधिकारियों ने वसूली करने के लिए नोटिस लगाया हुआ था। अमिताभ बच्चन का ये उदाहरण सदी के मोड़ पर हमें अमिताभ बच्चन की प्रतिकूलताओं के बारे में एक अंतर्दृष्टि देता है, जब वो 50 की उम्र में पहुंचने वाले थे। 1999 में अमिताभ बच्चन एक अभूतपूर्व पैसों के संकट का सामना कर रहे थे, क्योंकि उनकी फिल्म के निर्माण और वितरण में बहुत सारा पैसा फंसा पड़ा था। उन पर लेनदार दबाव डालने लगे और तब अमिताभ बच्चन की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिवाला घोषित कर दिया गया था। अमिताभ बच्चन के दोस्त और फाइनेंशियल एडवाइजर ने उन्हें डूबती कंपनी को बंद करने की सलाह दी और आगे बढ़ने को कहा, पर अमिताभ ने हार नहीं मानी और आगे बढ़े। ये वही समय था जब उन्हें एक बड़ी सफलता मिली, कौन बनेगा करोड़पति KBC। इसने उन्हें दिलाया राष्ट्रीय स्टारडम और उनके भाग्य को चमकाने में बहुत मदद की। एक और उदाहरण है शशिकला चौरसिया का, जो एक साधारण गृहिणी है उत्तर प्रदेश की। उनके बेटे चंदन, सूरज और पंकज को उनकी क्षमता पर बहुत भरोसा था और उन्होंने तय किया कि उनकी मां शशिकला चौरसिया अपने कमाल के खाना पकाने के कौशल में यूट्यूब की एक स्टार बन सकती है। रखवा गांव उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब देशों में से एक है। देश के जीवन स्तर के तौर पर कम कृषि उत्पादकता और खराब बुनियादी ढांचे के कारण, पर 4G इंटरनेट की शुरुआत हुई इस छोटे से गांव में 2016 में, और युवाओं और बुजुर्गों के लिए अवसरों के द्वार खुल गए। जनसंख्या में सामाजिक आर्थिक असमानता को कम किया। YouTube चैनल का नाम है अम्मा की थाली। आज
शशिकला के चैनल के 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 262 मिलियन वीडियो व्यूज हैं, जिससे वो हर महीने करीब 70,000 रुपए कमाती हैं। उनके सब्सक्राइबर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, फिजी, यूएसए, दुबई और अन्य कई देश। शशिकला और उनके बेटों के सामूहिक विश्वास ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। हमारे सुंदर भारत का एक और उदाहरण है, एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे का, जो कर्नाटक के एक सुदूर गांव में रहता है। आईएफएस ऑफिसर संतोष एच ने विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ यूपीएससी को क्रैक करने के लिए अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया। वो प्रतिदिन 5 किलोमीटर से अधिक पैदल चलते थे प्राथमिक शिक्षा के वर्षों के दौरान। फिर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा के लिए किताबें खरीदने और खुद की देखभाल करने के लिए खुद काम करने का फैसला किया। उनके कहने के अनुसार, सबसे बड़ा उपहार जो हम अपने आप को दे सकते हैं, वो है स्वयं के प्रति विश्वास और भरोसा। लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए बच्चों हमेशा याद रखो, विश्वास से काम करोगे तो सफलता मिलेगी। सफलता में देर हो सकती है, पर वो आपको मिलेगी जरूर। ईश्वर की कृपा से आप जिस भी धर्म को मानते हो, जीवन में ढेरों खुशियां मिलेंगी। आप सभी को शानदार समय की शुभकामनाएं, एक विश्वासपूर्ण समय। जय हिंद और जय हो।